पांच दिन पहले जेल से रिहा हुए बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सिवान के डीएम और एसपी ने सरकार को रिपोर्ट भेजकर शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की सिफारिश की है। सरकार को भेजी रिपोर्ट में प्रशासन ने शहाबुद्दीन से सिवान की कानून व्यवस्था को खतरा बताया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के जमानत पर रिहा होने के बाद से आम लोग डर के साए में जी रहे हैं, खास तौर पर कारोबारी और व्यापारी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार पर शहाबुद्दीन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाकर दोबारा जेल भेजने का भी जबरदस्त दबाव है। बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि शहाबुद्दीन पर सीसीए लगाकर उन्हें दोबारा जेल भेजा जाना चाहिए। बीजेपी ने बिहार सरकार से शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन को सिवान के बहुचर्चित तेजाब कांड में चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की हत्या के मामले में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भागलपुर जेल से रिहा कर दिया गया था। 16 अगस्त 2004 को सिवान के व्यवसायी चंदा बाबू के बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण किया गया था। गिरीश और सतीश की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी, जबकि राजीव उनके चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रहा था, लेकिन बाद में राजीव की भी हत्या कर दी गई थी। शहाबुद्दीन की रिहाई का शुरू से ही विरोध हो रहा है और अब सिवान प्रशासन की रिपोर्ट के बाद नीतीश सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए टीपी लाइव।